अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैदुल अली खान और भाई आपका बहुत एक्साइटेड है इस टाइम क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा रिसीव हुआ है। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया और टिकट वगैरह मैंने बुक करा लिया, लेकिन अभी उसमें तकरीबन एक महीना है। तो ऐसे एक महीने में जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँगा सोचा क्यों ना वीडियोज़ की बनाए जाए। अच्छा, लेट्स सी हाउ इट गोस। वैसे मैं थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर लेता हूँ, रमज़ान भी चल रहा है, वही सिमिलर डिशेज ही बन रही हैं, पकोड़े वगैरह। मैं सोचा आज कुछ डिफरेंट खाना चाहिए, तो कढ़ाई का है माइंड में। अब चलता हूँ ग्रोसरी स्टोर, वहाँ देखना है कि क्या सामान वगैरह लेना है। भाई आ गए हम कैश एंड कैरी पे, सामान शामान मैं ले आया था अभी थोड़ी देर पहले। That's it. कढ़ाई रेडी हो गई है, मज़ेदार। यार इस टाइम मैं आया हुआ हूँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बूस्टर डोज के लिए, क्योंकि पुरानी जो डोज थी वो 6 ज़्यादा हो गया उसको। तो मैंने पहले तो अच्छा था, रेड क्रिसेंट में था इनका सेंटर, काफ़ी बड़ा था। ये तो फनी फिर डब्बे में बना दिए उन्होंने, देखते हैं क्या बनता है। यार बूस्टर डोज लगवा ली है, पहले जो मैंने लगवाई थी वो मॉडर्ना की थी दोनों डोजेस, अभी जो फाइजर की लगी है। तो यार अभी मैं सदर आया हुआ हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, रोज़े का टाइम भी करीब ही है, लेकिन मैंने कहा कि एक काम पेंडिंग है तो मुका लिया जाए। यार मतलब 32 एसपी अब पूरी नहीं आ रही। शॉपिंग कभी कर रहा हूँ, एक पैंट लिया है, इसके अलावा कोई शर्ट्स वगैरह भी चाहिए। तारीख का भी टाइम है यार, दोस्त की तरफ जाना है, तारीख करते हैं। तो यार शॉपिंग वगैरह तो मेरी पूरी हो गई थी, अभी काफ़ी दिनों से सीन बन रहा था शहरी का, तो अभी जा रहा हूँ दोस्त की तरफ, शहरी का सीन है। पता नहीं रश रश का सुना है, काफ़ी रश वगैरह भी होता है उस एरिया में, जब भी जा रहा हूँ देखने में 11:30 हो गए। यार हम आ चुके हैं करतार पे, हसन भाई चाहेगा तो उसमें नहीं है। यार ईद में 2 दिन रह गए और मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। कटिंग मैंने करा ली थी, आया हुआ हूँ मैं फार्मेसी, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी हो, उसके बाद सदर भी जाने वहाँ एक दोस्त से मिलना है। और सर जी अल्लाह
भाई रमज़ान फाइनली ख़त्म हो गया है और आज ईद का दिन है। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से जो देख रहे हैं। और आज का दिन काफ़ी रिलैक्स ही किया है। नमाज पढ़ के मैं आके सो गया था और दिन के टाइम उठा हूँ, उसके बाद खाना शाना खाया और गेस्ट वगैरह आने शुरू हो गए, तो इसी तरह ही बस अब दिन गुजर। अभी थोड़ा टाइम फ्री था, मैंने कहा चलो छत पे आऊँ, थोड़ी हवा शवा खाने। और मोर इम्पोर्टेंटली भाई कि 3 दिन रह गए टोटल, सैटरडे को फ्लाइट है, तो अभी उसकी भी तैयारी स्टार्ट करनी है, पैकिंग वगैरह बाकी चीज़ें। तो लेट्स सी, तो कल शाम की है मेरी फ़्लाइट। एक आखिरी काम जो रहता है वो है PCR टेस्ट करवाना, तो इसीलिए भी मैं आया हूँ G8 IDC। होपफुली नेगेटिव ही आएगा। तो भाई कोविड टेस्ट मैंने करा लिया था, उसकी रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गई है। अभी चल रही है पैकिंग और हमेशा की तरह सामान ज़्यादा और जगह कम है, लेकिन होपफुली कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, सब सामान वगैरह इस बैग में पूरा आ जाएगा। तो फाइनली गाइस पैकिंग इज़ डन और कल की फ्लाइट इंशाल्लाह होपफुली खैर खैरियत से पहुँचूँगा विदाउट एनी ट्रबल। बाकी एक्साइटमेंट तो है ऑब्वियसली, लेकिन सैडनेस भी है थोड़ी सी। ऑब्वियसली फैमिली से आप दूर जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा उदास थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो चलता रहता है। बाकी वीडियो या ब्लॉग जो भी आप उसको कह लो उसको मैं यही पे एंड करता हूँ। सी यू गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम।